हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इंडिया के पोर्ट्स के बारे में। ये हमारा तीसरा वीडियो है मैप की सीरीज में, और मैं चाहूँगा कि अगर आपने मैप्स अगर बिल्कुल बिगिनिंग से करने हैं तो पहला दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिए मैंने मैप्स की, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊँगा इंडियन पोर्ट्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा, पोर्ट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ से पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं और सामान ले जाते हैं। जनरली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे मान लो ये हमारी कोस्टल लाइन है, यहाँ पर आपको पता है कौन सा ओशन है, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर अपना अरेबियन सी, और नीचे है आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो कोस्ट लाइन है हमारी, यहाँ पर कोस्टल स्टेट हैं कई सारे, तो इन कोस्टल स्टेट्स पर यहाँ पर पोर्ट्स पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी के बड़े बड़े पाए जाते हैं, क्या बनाए गए हैं, और यहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज यहाँ पे आते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारा, ठीक है। तो उन पोर्ट्स की लोकेशन हमें जाननी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, यहाँ पर आप नाम देखो, नाम देखने के बाद फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको मैप में फिल करेंगे। जैसे कांडला पोर्ट, पहला पोर्ट का नाम क्या है, कांडला पोर्ट है, और कांडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। फिर है मुंबई, महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको हम JNPT भी कहते हैं, ये आपका महाराष्ट्र में है। मोरमगांव, ये आपका गोवा में है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, मैंगलोर मतलब बेंगलोर ऐसा लगा लेना अंदाज। कोचीन केरल में है, कोचीन पोर्ट कहाँ पर, केरला में, ये चीज़ ध्यान रखना। टूटीकोरिन ये तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई आए तो चेन्नई जगह भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। पैरादीप ये है आपका उड़ीसा में। दो पोर्ट और हैं, एक है आपका हल्दिया और एक है आपका कोलकाता। तो हल्दिया और कोलकाता ये आपके हैं वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर हैं, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, ठीक है। इनको हम मैप में फिल करने वाले हैं एक एक करके, ध्यान रखना। और अभी अब देखते हैं इनके, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में है, स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कांडला पोर्ट, तो कांडला मैंने अभी बताया था कहाँ पे, कांडला आपका गुजरात में। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये गुजरात है, मैं इनकी पहले ही प्रैक्टिस करा चुका हूँ। इस जगह पर, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ये है आपका कांडला, कौन सा है, कांडला पोर्ट, और कांडला कहाँ पे है, ये गुजरात, गुजरात, ये वाली जगह कौन सी है, गुजरात। फिर दूसरा पोर्ट हम भरेंगे मुंबई, तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे वैसे ही पता चल जाएगा आपको, ये क्या है, मुंबई पोर्ट, मुंबई, और मुंबई कहाँ पे आपको पता है, महाराष्ट्र, ये जगह कौन सी है, महाराष्ट्र है। ये वाली जगह कौन सी है, गुजरात। कोस्टल स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। फिर इसके नीचे, इसके नीचे जस्ट यहाँ पे ध्यान रखना, और ये वाली जो जगह है यहाँ पर आपको फिल करना है, ये है हमारा JNPT, कौन सा है, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं, ये वाली जगह हुई गोवा, तो गोवा में पॉइंट बना के ऐसे यहाँ पर लिख देना मोरमगांव, मोरमगांव, मोरमगांव कहाँ पे, ये वाली जो जगह है गोवा, ठीक है ना। और गोवा की कैपिटल आपको बताइए, पणजी, गोवा है तो ये भी भर देना। ये वाली जगह आपकी क्या हो जाएगी, कर्नाटका, क्या हो जाएगा, कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल आपको बताइए बेंगलोर, तो बेंगलोर में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो इस जगह पर, कौन सी जगह पर, यहाँ पे आप भर देना, इस जगह पर जो पोर्ट है वो है हमारा न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। देखो ये प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है, ठीक है, हो सकता है आपको आते हो ये, पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और एमटी मैप्स में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। देखना मत, ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, दिस वीडियो मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर आपको अपना मैप लेना है, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना कि इसको देख के हम मतलब चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो मैप इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो पहला पोर्ट कौन सा हो गया, कांडला कहाँ पे है, गुजरात में। दूसरा हो गया मुंबई, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये भी महाराष्ट्र में है। मोरमगांव कहाँ पे है, गोवा में है। न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, ये हो गया आपका न्यू मैंगलोर कर्नाटका में। अब कोचीन, कोचीन कहाँ पे भाई, कोचीन केरल में। तो ये वाली जगह यहाँ पे ले लो, ये हो गया अपना कोचीन, कोचीन को ऐसे भी लिख सकते हैं और सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जगह कहाँ पे, केरल,
ठीक है। अब हम बात करते हैं टूटीकोरिन पोर्ट की। तो इस जगह पर लगभग यहां पे आप देख लेना, ये जो जगह है यहां पे आपका टूटीकोरिन कहां पे भाई? ये आपको पता है, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु टूटीकोरिन आपका तमिलनाडु में। एक है आपका चेन्नई, तो चेन्नई जगह तो आपको बताइए, ये वाली जो जगह है ये क्या है? चेन्नई पोर्ट, चेन्नई जगह, ठीक है, सी चेन्नई हो गया। अब बात करते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश है, या तो आपको पता ही होगा, आंध्रा लिख देता हूँ मैं नीचे, चलो प्रदेश भी लिख देते हैं। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो आप यहाँ कहीं पर आपका पोर्ट आ जाएगा, कौन सा? विशाखा पट्टनम, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। इसको वाइजैग भी बोलते हैं, अगर वाइजैग आ जाए तो वाइजैग भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आप बात करेंगे, ये वाली जगह उड़ीसा है, आपको पता ही होगा, उड़ीसा, उड़ीसा में एक पोर्ट है जिसका नाम है पैरादीप। पोर्ट का नाम क्या है? इस वाली जगह पे आप भर देना। देखो पोर्ट बिल्कुल किनारे पे आपको भरना है, ठीक है ना, जो आपका कोस्टल एरिया बिल्कुल किनारे पे, ज़्यादा अंदर मत ले जाना इनको। तो ये आपका पोर्ट है उड़ीसा में पैरादीप, ठीक है। दो पोर्ट बचे, अब ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रैक्टिस करवाया था, ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की बगल में ही यहाँ पर ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो पोर्ट हैं, कितने पोर्ट हैं? दो। एक तो है आपका हल्दिया, एक तो कौन सा है आपका, यहाँ पे मान लो हल्दिया हो गया, और यहाँ पे हो गया कोलकाता पोर्ट, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे भर देता हूँ, पहला हो गया हल्दिया, हल्दिया, और दूसरा हो गया कोलकाता, हल्दिया और कोलकाता पोर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे के सारे पोर्ट, ध्यान रखना। और कोस्टल स्टेट्स भी हमने भर लिए हैं, कोस्टल स्टेट ध्यान रखना, ये ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, और सॉरी ये वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, और ये ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, ये आपका केरल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो पोर्ट हैं, हल्दिया और कोलकाता। उड़ीसा में एक पोर्ट है जिसका नाम है पैरादीप। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तमिलनाडु में एक पोर्ट है जिसका नाम है नीचे टूटीकोरिन, यहाँ ध्यान रखना, चेन्नई। और यहाँ पे एक पोर्ट है केरला में कोचीन। कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर, बेंगलोर ध्यान रखना, और गोवा में है मोरमगांव जो है गोवा में। और महाराष्ट्र में आपका एक JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और दूसरा है मुंबई, ठीक है। और गुजरात में यहाँ पे है आपका कांडला पोर्ट, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है। दिल्ली ध्यान रखना है, ई वाली जो जगह है दिल्ली को मैं बार बार आपको बताता चल रहा हूँ, इसको ये ध्यान रखना है। यहाँ छोटी सी जगह जो दे रखी है, ये जगह आप देख पा रहे होंगे, यही है दिल्ली, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो आप धीरे धीरे ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक मैप में बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट सिटीज़, मेन मेन सिटीज़ हैं उनके बारे में, और हिस्टोरिकल जो सिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैं मैप बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम बहुत सारे वीडियोज़ डालूंगा मैं, चाहे मुझे पाँच पाँच प्लेसेस ही आपको रिवाइज कराने पड़े, बट मैं डालता रहूँगा, अभी हमारे पास टाइम है। जितना मैं कराता चल रहा हूँ उसको पढ़ो, और अपनी तरफ से भी तैयारी करते रहो, डरना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। बस मैं चाहता हूँ कि आप कैपिटल और लर्न कर लेना सभी स्टेट्स की, है ना, और बाकी मैं उनकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।